कि वो वार्ड पार्षद रहते हुए लगातार दो साल तीन से तीन बार से वार्ड पार्षद बन रही है और जितने भी इनके पास फरियाद आते हैं उनको पूरा का पूरा समाधान होता है। अभी आप वार्ड नंबर 30, 31, 32 में तो ये नहीं रही है लेकिन 31, 32 से चुनाव जीती है। अभी आप जाकर देखिएगा कि जहाँ जहाँ भी पानी जमा हुआ था एक एक रोड चौड़ीकरण हो गया, पक्कीकरण हो गया है। 32 गांव में भी काम किए हैं पूरे तहत मन दिल से। इनका 31 के काम 10 साल किए, 5 साल 32 में भी रहे, काम तनमन से कर रहे हैं, जी भी काम करेंगे, सच्चाई से आगे काम कर रहे हैं। ऐसा कैंडिडेट जनता को कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। अच्छा मेयर साबित होंगे। मैं वार्ड 32 से प्रभात कुमार सिन्हा जी, मेरा घर भी 32 में ही हुआ और मैं इनके साथ 15 सालों से काम कर रहा हूँ। सिलाई मशीन छाप मेयर के लिए है। कितना नंबर पे बताइए? 7 नंबर पर है। याद है आपको? क्या याद है, हम तो दिल याद है। उम्र क्या है इसमें? हम लोग 15 साल का निडिप रहे हैं। गुड़िया टोली में है हम लोग और हमारे साथ कई लोग हैं। पिंकी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और एक भैया है, क्या नाम हुआ? सचिन यादव को वोट इसलिए मिलना चाहिए कि वो वार्ड पार्षद रहते हुए लगातार दो साल तीन से तीन बार से वार्ड पार्षद बन रही है और जितने भी इनके पास फरियाद आते हैं उनको पूरा का पूरा समाधान होता है। अभी आप वार्ड नंबर 30, 31, 32 में तो ये नहीं रही है लेकिन 31, 32 से चुनाव जीती है। अभी आप जाकर देखिएगा कि जहाँ जहाँ भी पानी जमा हुआ था एक एक रोड चौड़ीकरण हो गया, पक्कीकरण हो गया है। पहले महिलाएं चलने पर विवश रहती थी बरसात के दिनों में, लेकिन अभी शान से महिलाएं चलती है, गर्व से कहती है कि पिंकी यादव काम की है। वोट उन्हीं को मिल रहा है, पूरा वोट उन्हीं को मिल रहा है। अच्छा बड़ी बोले जी, हाँ बोलिए। 32 गांव में भी काम किए हैं पूरे तहत मन दिल से। इनका 31 के काम 10 साल किए, 5 साल 32 में भी रहे, काम तनमन से कर रहे हैं, जी भी काम करेंगे, सच्चाई से आगे काम कर रहे हैं। सच्चाई से आगे, हाँ पूरे सच्चाई से, कमिश्नर से भी लड़के वोट दीजिएगा। सच्चाई से मैं समर्थन पूरा हूँ और अपने नहीं, मैं साथी संगत सब लेकर आगे चल रहा हूँ। इनका साथी संगत को भी वोट गिरवाइए जी। हाँ सर, पलटिया का एकदम नहीं, जितना जैसा जो उतना सहयोग मेरा भरपूर मेरा आता गता गया है। जी हाँ आ गया है। अच्छा कौन छाप है बताइए तो? सिलाई मशीन छाप मेयर के लिए है। कितना नंबर पे बताइए? 7 नंबर पर है। याद है आपको? क्या याद है, हम तो दिल याद है। उम्र क्या है इसमें? हम लोग 15 साल का निडिप रहे हैं। और फिर वार्ड नंबर 30, 31, 32 की नहीं, कोई भी वार्ड का फरियादी आ जाता है तो इनका पूरा का पूरा समाधान करने की कोशिश करती है पिंकी यादव। ऐसा कैंडिडेट जनता को कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अच्छा मेयर साबित होंगे। मैं वार्ड 32 से प्रभात कुमार सिन्हा जी, मेरा घर भी 32 में ही हुआ। अच्छा। और मैं इनके साथ 15 सालों से काम कर रहा हूँ। वार्ड 31 की जब ये दो बार पार्षद रही हैं, जब पहली बार 32 में जीत कर आई, जटिल समस्या थी, जल जलाव की समस्या थी, पूर्वी रामकृष्णा नगर सोरनपुर जखनपुरा, और ये अच्छी मेयर साबित होगी, बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट की हैं, अनुभव भी है, और इनका लंबा अनुभव भी रहा है नगर निगम में। मेयर पद के लिए बहुत अच्छी कैंडिडेट है। हमारा पूरा समर्थन पिंकी यादव जी के लिए है। मेरे पूरे परिवार, बहन, भाभी, दीदी, सब लोग इन्हीं को वोट करेंगी। मैं तमाम 32 और पूरा पटना की जनता से अनुरोध करता हूँ कि पिंकी यादव जी के लिए वोट करें, अच्छी मेयर साबित होंगी। धन्यवाद। तो ये पूरा निवेदन कर रहे हैं सिन्हा जी हैं, कहना है कि वोट पड़ेगा तो पिंकी यादव को ही पड़ेगा, क्योंकि पिंकी यादव के पास अनुभव है और अनुभव के कारण हम उनको वोट करेंगे। लेकिन पता चलेगा 30 को, क्योंकि 30 को वोटिंग है, 30 को पता चलेगा कि पटना के मेयर के कुर्सी पर कौन बैठती है। जनता जंक्शन देख रहे हैं।